हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर जो स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू हमें डालना है उसका परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेट ड्रॉप एंड शूट स्पिलवे एंड बॉक्स इनविले या ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, यही हमारे तीन मेन स्ट्रक्चर होते हैं। और उनसे रिलेटेड जो लास्ट स्क्रीन वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ उसके पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों के बीच डिस्क्लोज करनी है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इन तीनों प्रकार के स्पिलवे में हम लोग इनका आउटलेट बनाते वक्त किस प्रकार की चीज ध्यान में रखते हैं उसके बारे में चर्चा करी गई। मेनली यहाँ पर सब कुछ एक ही काम के लिए किया जाता है, तीनों स्ट्रक्चर, चाहे वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो जो कि अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया, चाहे वो शूट स्ट्रक्चर हो और चाहे वो ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर, तीनों ही स्ट्रक्चर का जो मुख्य कार्य है उसमें क्या है कि पानी को सेफली दूसरी तरफ लेके जाना और उसकी ऊर्जा को मिनिमम करते हुए, ठीक है। तो उसको लेकर हमेशा यहां पर इनलेट पर और कंड्यूट पर, कंड्यूट इलाका कौन सा होता है, जैसे यहां पर स्ट्रेट ड्रॉप वाले में ये हिस्सा कंड्यूट का है, यहां पर शूट स्पिलवे में ये वाला हिस्सा कंड्यूट का है और ड्रॉप इनलेट में ये वाला हिस्सा कंड्यूट का है। तीनों ही में जो कंड्यूट वाला स्ट्रक्चर है ये आपका कंड्यूट कहलाएगा और इनलेट स्ट्रक्चर आपका यहां पर है, जैसे शूट में इस तरह इनलेट है, यहां पर इस तरह इनलेट है और इस जगह पे यहां ऐसे इनलेट है। तो इनलेट का जो स्ट्रक्चर है और जो कंड्यूट का स्ट्रक्चर है, इनका भी इस्तेमाल पानी की एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन करो कि पानी की एनर्जी रिड्यूस हो जाए, लेकिन मेनली जो इन तीनों में आउटलेट होता है उसका इस्तेमाल हम लोग एनर्जी डिसिपेशन के लिए या ऊर्जा क्षय के लिए या ऊर्जा की कमी करने के लिए या पानी का वेग कम करने के लिए हम लोग ज्यादा करते हैं किस जगह पर, आउटलेट पर। आउटलेट पर वो सारी संरचनाएं जो एनर्जी लॉस के लिए बनाई जाती है उनका नाम क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटर, और इसका नाम ही है एनर्जी डिसिपेटर। इसका रोल क्या है, टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ द वॉटर एट द आउटलेट ऑफ द स्पिलवे। बहुत स्पेसिफिक होके सुनिएगा, ठीक है। आउटलेट ऑफ द स्पिलवे के ऊपर जो भी एनर्जी को रिड्यूस करेगा वो एनर्जी डिसिपेटर कहलाएगा। अब आते हैं इस पर कि पानी की एनर्जी कितनी है ये डिसाइड कैसे करेंगे। कोई भी पानी कहीं पर भी, जब आपने स्ट्रक्चर बनाया, पानी ऊपर से स्ट्रक्चर के ऊपर से आया, जैसे यहां से पानी इस जगह से प्रवेश कर रहा है, यहाँ पानी यहां से प्रवेश कर रहा है, इस जगह पानी यहां से प्रवेश कर रहा है, तो पानी जब आउटलेट पर पहुंच रहा है, जब आउटलेट पर पानी पहुंच रहा है, जब आउटलेट पर पानी यहां पर पहुंच रहा है, तो पानी की एनर्जी कितनी है ये बात तय कैसे होगी। तो इसी बात को तय करने के लिए आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर विच इज वी अपॉन अंडर रूट जी वाई। ये फ्रॉड नंबर का जनरल फॉर्मूला है, जिस जगह पर फ्रॉड नंबर आप कैलकुलेट करेंगे वहां पे पानी की वेलोसिटी और वहीं पर पानी की ऊंचाई, ये दोनों चीजें वैल्यू आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। और हाइड्रोलिक जंप का जो रफ फिगर है आप लोगों ने जाना है कि पानी ऊंचाई से नीचे गिरा, फिर कुछ ऊंचा गया और सीधा बहने लगा, तो और ये आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। पानी जब ऊंचाई से नीचे आया तो कुछ इसके यहां पर पानी, मान लीजिए इस जगह पर ड्रॉप कर रहा है, तो यहां पर पानी में एक दबाव दिखेगा और यहां से पानी उठकर फिर से बहने लगेगा। जिस जगह पर पानी मिनिमम दबाव पर है या जहां पर पानी सबसे कम गहराई दे रहा है, इसको हो गया Y1, मतलब पानी यहां पर गिर रहा है और यहां पर पानी में एक स्टेबल गहराई मिलती है जिसे बोलते हैं Y2, और इसी बीच में एक गहराई होती है जिसको बोलते हैं YC। Y1 और Y2 मतलब पानी जब गिरा तो उसकी गहराई Y1 थी, जब फिर से पानी उठकर बहने लगा तो उसकी गहराई Y2 हो गई। Y2 गहराई क्या है, ज्यादा है। जब Y2 गहराई ज्यादा है तो इसमें पानी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पानी की वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर जो यहाँ पर एनर्जी थी यहां से यहां तक उठने में, इसके अंदर क्या हुआ, पानी का प्रत्येक पार्टिकल, जैसे मान लीजिए यहाँ वाटर का एक पार्टिकल आप इमेजिन करिए, ये पार्टिकल पहले जब यहां पर था
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है y1, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है अगर इस पार्टिकल का मास m है तो mv y1, और यही पार्टिकल जब इतनी ऊंचाई पे चला गया अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg y2। मतलब पानी के अंदर जितने भी उसके कण है या मॉलिक्यूल है, या ये कहें कि पूरा वाटर जब y1 ऊंचाई पे है, जब यहां से बहते हुए y1 पे पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम का मतलब वेलोसिटी कम हो गई। जब यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू भी कम कैलकुलेट होगी, क्योंकि फ्रॉड नंबर का मान ही क्या है fr बराबर v अपॉन gi1। तो इस जगह पर जब फ्रॉड नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इसको बोल देंगे fr1, तो fr1 इक्वल टू v1 अपॉन अंडर रूट gy1, ठीक है, v1 अपॉन अंडर रूट gy1। और इस जगह पर जब फ्रॉड नंबर कैलकुलेट करेंगे इस वाली गहराई पर तो क्या मिलेगा, fr2 बराबर v2 अपॉन अंडर रूट gy2। और यहां पर ये y2 गहराई वाला जो फ्रॉड नंबर है, ये वाला फ्रॉड नंबर इस वाले फ्रॉड नंबर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ y2 का मान ज्यादा है v2 का मान कम है, तो दोनों चीजें यहाँ घट रही है। यहाँ पर v1 का मान क्या है, अधिक है, और y1 का मान y2 से कम है, तो भाग करने पर ये क्वांटिटी ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि fr1 का मान fr2 के मान से क्या है, अधिक है। और ये जो fr1 का मान है, ये मान जितना ज्यादा होगा, ये मान जितना ज्यादा होगा उतना ही हम लोग एनर्जी डिसिपेशन के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाएंगे, ठीक है। पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जब आउटलेट के पॉइंट पर पहुंचता है, तो वहां पर फ्रॉड नंबर का मान जितना ज्यादा होगा उतने ही हमें एनर्जी डिसिपेटर की संरचनाएं बनानी पड़ेंगी, ठीक है। फ्रॉड नंबर का मान हम लोग सबसे पहले किस जगह कैलकुलेट करते हैं, जहां पर y1 ऊंचाई है। मतलब अगर इसको संरचना में देखें, ड्रॉप इनलेट संरचना में देखें, तो आप डायग्राम जब देखेंगे तो आपको क्या याद आएगा, इस जगह पर क्या था, एंड सिल नाम की एक संरचना थी, एंड सिल। अगर एंड सिल पर पहुंचने पर फ्रॉड नंबर की जो वैल्यू है, एंड सिल के पहले जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू है वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और उसी के आधार पे ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन के लिए कौन कौन सी संरचनाएं बनानी है। पानी जब ऊपर से नीचे अंदर गिरता है यहाँ पे, तो पानी जिस जगह पर गिर रहा है वहां पर पानी का डिप्रेशन क्या है, तो यहाँ पे y1 ऊंचाई आप देख लीजिए और यहाँ पे फ्रॉड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये वैल्यू अगर 1 से कम है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ्रॉड नंबर ने 3 प्रकार के फ्लो निर्धारित किए। अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से अधिक है तो उसको सुपर क्रिटिकल फ्लो कहते हैं, और जो हाइड्रोलिक जंप आपका हो रहा है इसमें इस जगह पर जहां पर गहराई कम है और ऊपर से पानी जब जिस जगह पर प्रथम बार गिर रहा है, यहां पर फ्रॉड नंबर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही आने वाली है। फ्रॉड नंबर यहां पर क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा फ्रॉड नंबर होने का मतलब कि इस जगह पर सुपर क्रिटिकल फ्लो है या यहाँ की एनर्जी ज्यादा है। और जिस वक्त फ्रॉड नंबर का मान y2 हो गया, मतलब इस जगह पर हाइड्रोलिक जंप पूरी होने के पश्चात जो ऊंचाई y2 थी, यहां पर फ्रॉड नंबर का मान 1 से कम मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। और इस हाइड्रोलिक जंप के दौरान कहीं ना कहीं गहराई yc हुई होगी, जिसको क्रिटिकल डेप्थ कहा जाता है, जहां पर फ्रॉड नंबर का मान 1 के बराबर मिलता है। अब वो y1 y2 के बीच किस जगह होगा ये निर्धारित करना मुश्किल है, कई बार निर्धारित हो भी जाता है, लेकिन जरूरी नहीं। हमें इतना मालूम है कि एक बार वैल्यू 1 से ज्यादा थी y1 पे, और y2 पे जो वैल्यू थी वो 1 से कम है, तो बीच में कहीं ना कहीं वो 1 के बराबर हुई होगी। जिस जगह 1 के बराबर हुई होगी उसी को हम लोग क्रिटिकल फ्लो कहते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं। अब आते हैं इन सब बातों का हमारा एनर्जी डिसिपेशन से रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो फ्रॉड नंबर का मान जैसे ही 1 से ज्यादा होता है, हम लोगों को एनर्जी डिसिपेशन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें जब आउटलेट के बाद पानी बाहर निकले तो उसका वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। फ्रॉड नंबर का मान 1 से कम होना चाहिए, मतलब पानी की ऊर्जा मिनिमाइज हो जानी चाहिए।
अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट शब्द और है जिसका नाम है सेक्वेंट डेप्थ। ये पेपर में बहुत आती है, सेक्वेंट डेप्थ। सेक्वेंट डेप्थ क्या होती है? सेक्वेंट डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला यहां पर लिखा है, हाइड्रोलिक जंप विदाउट एनर्जी डिसिपेटर। ठीक है, व्हेन वी ऑब्जर्व, इसको नोट भी कर सकते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व हाइड्रोलिक जंप विदाउट एनर्जी डिसिपेटर, एनर्जी डिसिपेटर के बिना हाइड्रोलिक जंप को जब ऑब्जर्व किया जाएगा तब हाइड्रोलिक जंप के पहले की ऊंचाई, व्हेन वी ऑब्जर्व हाइड्रोलिक जंप विदाउट एनर्जी डिसिपेटर, देन हाइट ऑफ जंप एट द एंड ऑफ फ्लो। यहां पर जब फ्लो आपका ऐसे आ रहा था, एट द एंड ऑफ फ्लो नहीं, एट द एंड ऑफ जंप, जब आपका फ्लो इस प्रकार से आ रहा था तो यहां पर कितनी आपको ऊंचाई मिल रही है, y1, और उसके बाद जब हाइड्रोलिक जंप हुई तो यहां ऊंचाई कितनी हो गई, y2। तो ये वाली डेप्थ y1 से y2 पर पहुंच रही है, इस डेप्थ का नाम क्या बोलेंगे, सेगमेंट डेप्थ। लेकिन जब एनर्जी डिसिपेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी डिसिपेटर्स का मतलब जो ऊर्जा को कम करने वाली संरचनाएं हैं उनका जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो हाइड्रोलिक जंप मिल रही है, जो हमें एक से कम वैल्यू को कर रही है, उसको सेकंड डेप्थ नहीं बोलेंगे। ये आइडियल केस में सेकंड डेप्थ है कि पानी आपने यहां पर एनर्जी डिसिपेटर के लिए कोई भी संरचना नहीं बनाई जो एनर्जी को लॉस करे तीनों में ही, और पानी नीचे आया और उछला ऊपर, और एक y1 ऊंचाई से उछला y2 ऊंचाई पे, तो y2 ऊंचाई क्या कहलाएगी, सेगमेंट डेप्थ कहलाएगी। अब इसी सेगमेंट डेप्थ के अनुसार हम लोग अपने एनर्जी डिसिपेटर की जो संरचनाएं या जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनकी ऊंचाइयां निर्धारित करते हैं। अब इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, एनर्जी डिसिपेटर की जो संरचनाएं बनती है आउटलेट पर उनमें क्या क्या आता है, कुछ से तो आप सीधे सीधे वाकिफ हैं जो हमारे इसके पहले के डायग्राम में भी चर्चित थे, चर्चा हुई थी, और कुछ जिनसे आप वाकिफ नहीं है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिएगा यहां तक आपकी बात समझ में आ गई, सेक्वेंट डेप्थ कौन सी होती है, y2, हाइड्रोलिक जंप के बाद वाली जो डेप्थ है ये y2 है, और रिलेशन क्या है, y2 बराबर y1 अपॉन 2 अंडर रूट, और ये ब्रैकेट में है अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस 8 एफ आर 1 का स्क्वायर और फिर क्या है माइनस 1। तो इस जगह पर ये जो फॉर्मूला है इसको जनरली स्टूडेंट्स गलत तरीके से याद करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर किस जगह ब्रैकेट बंद हुआ, किस जगह माइनस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सेकेंड डेप्थ y2 बराबर y1 अपॉन 2, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, फिर छोटा ब्रैकेट लगाइए, यहाँ लिखिए कि अंडर रूट 1 प्लस 8 एफ आर 1 का स्क्वायर। एफ आर 1 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप जब क्रिएट हुई जिस जगह पर ऊंचाई y1 थी, इस जगह पर जो फ्रॉड नंबर है ये एफ आर 1, तो एफ आर 1 का स्क्वायर और ये अंडर रूट के बाद लिखा हुआ है माइनस 1। जाहिर सी बात है अंडर रूट के अंदर होता तो ये 1 और 1 कट ही जाता, तो 1 और 1 कटा इसलिए नहीं क्योंकि ये अंडर रूट के बाद है। तो y2 बराबर y1 अपॉन 2 8 एफ आर 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, सेक्वेंट डेप्थ। और सेक्वेंट डेप्थ हमारी क्या है, एक ऑब्जर्व डेप्थ है जो बिना किसी एनर्जी डिसिपेटर के ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें मिलती है, और उस y2 डेप्थ के अनुसार ही हम लोग एनर्जी डिसिपेटर्स की ऊंचाइयां निर्धारित करते हैं। अब आते हैं एनर्जी डिसिपेटर आपको तीनों प्रकार की संरचनाएं में कौन कौन सा देखने को मिल सकता है, और इसी पर हमारी चर्चा है एनर्जी डिसिपेटर्स में, और वो दिखने में कैसे होते हैं, कुछ कुछ आइडिया आपको मिल जाए, ताकि जो नेक्स्ट हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो है वो फाइनल वीडियो हमारा बन जाए। उसके बाद हम लोग सॉइल वाटर कंजर्वेशन की 4-5 लेक्चर और बचेंगे, मेन यही लेक्चर था जिसमें हम लोग अधिकतर चीजें डायग्राम स्टडी एंड ओवरऑल चीजें समझने के लिए आपको मिलती है। बाकी सब थ्रू आउट जिसने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स, फ्लो इन ओपन चैनल
एंड हाइड्रोलिक जब देख रखा है उनके लिए तो ये और आसान तरीके से उनको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं एनर्जी डिसिपेटर्स में क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे एंड सिल, एंड सिल इस जगह पर आपको हमने स्ट्रेट स्ट्रक्चर के अंत में बताया था। अब एंड सिल देखने में कैसी होती है, जैसे मान लीजिए पानी का फ्लो ऊपर से नीचे गिरा, वाटर फ्लो ऊपर से नीचे गिरा और एप्रन से होते हुए ये आगे बढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर यहां का फ्लोर ऐसे ऊपर उठा लेंगे, यहां का फ्लोर ऐसे ऊपर उठा लेंगे। ये जो फ्लोर ऊपर उठा, ये जब अब जब पानी आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या करेगा, जब यहां पहुंचेगा तो यहां से इसको हाइड्रोलिक जंप प्राप्त हो जाएगा। और इस जगह पर जब पानी यहां पर गिरा तो उसकी ऊंचाई थी y1, जब इस जगह पर पहुंचा तो हाइड्रोलिक जंप प्राप्त हुई तो ऊंचाई हो गई इसकी y2। हाइड्रोलिक जंप जिसकी वजह से प्राप्त हुई वो बॉल देखने किस तरीके की, हमने कैसे कर दिया, इसे इंक्लाइन कर दिया, कैसा, 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया। तो अब पानी क्या होगा, ऐसे आएगा और ऐसे करके उछल जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंड सिल। और एंड सिल में ये जो एंड सिल बनाने के बाद एक वर्टिकल वॉल जो नीचे गई, इसी को टो वॉल बोलते हैं, जो आपने इससे पहले डायग्राम में पढ़ रखी। टो वॉल का काम क्या है कि जब पानी यहां पर आगे बढ़ने लगे तो वापस पानी फ्लोर के नीचे ना भरने पाए, ताकि फ्लोर के नीचे वाटर पाइपिंग ना हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, टो वॉल। तो हमारा एंड सिल तो आपके समझ में आ गया कि एंड सिल का इस्तेमाल क्या है। अब आते हैं इसके बाद, एंड सिल के बाद अगला शब्द है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल सिल। ठीक है, एंड सिल, फिर आती है लॉन्गिट्यूडिनल सिल। लॉन्गिट्यूडिनल सिल के बारे में देखिए, इसी एंड सिल के पहले अगर हम ऐसी कुछ संरचनाएं बना दे, देखिए हम यहां पर कुछ मिटा के बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे तब आपको समझ आए। इस एंड सिल के पहले जब पानी आपका इस प्रकार से पहुंचा, ऊपर से गिर के यहां पे पहुंचा आउटलेट पर, तो हमने क्या किया, स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर के जो आउटलेट पर जब आया पानी, तो हमने यहां की जो हेड वॉल थी, इस जगह पर हेड वॉल आपकी मौजूद थी, यहां से पानी अंदर आ रहा है ना, हेड वॉल से पानी अंदर, हेड वॉल से लेकर एंड सिल के बीच में ऐसे करके एक वॉल खड़ी कर दी, इस तरह से दो वॉल हमने खड़ी कर दी। अब ये दो वॉल जैसे ही खड़ी करेंगे तो ये क्या करेगा, जब पानी गिरेगा तो पानी को तीन अलग अलग चैनलों में बांट देगा। पानी जब नीचे आएगा तो जैसे ही नीचे गिरा तो दो वॉल ऐसे सीधी खड़ी हुई है, तो जब नीचे की तरफ आया पानी तो क्या होगा कि तीन हिस्सों में अलग अलग बढ़ जाएगा, तो पानी का चैनलाइजेशन हो जाएगा, मतलब पानी का वॉल्यूम तीन हिस्सों में बढ़ गया। और उसके साथ ही साथ पानी जब इन वॉल को छूते हुए आगे बढ़ेगा तो इस वॉल पर साइड में रगड़ खाने से पानी की ऊर्जा भी कम होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल सिल भी क्या कर रहा है, पानी के अंदर अलोंग द वॉटर डायरेक्शन एनर्जी को कम कर रहा है और साथ में पानी का चैनलाइजेशन कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल सिल भी किस प्रकार की संरचना हो गई, एनर्जी डिसिपेटर प्रकार की संरचना। फिर आते हैं अगली संरचना पे, और ये सारी संरचनाएं इस बात पर डिपेंड करती है कि फ्रॉड नंबर का मान कितना है। फ्रॉड नंबर जितना ज्यादा होगा उतने ही प्रकार की संरचनाएं बनानी पड़ेंगी। अगर फ्रॉड नंबर का मान और इनकी फ्रॉड नंबर की अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे, तो हमारे पास इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि फ्रॉड नंबर के अलग अलग मानों पर हमारा जो आउटलेट पर जो संरचनाएं हैं उनका शक्ल किस तरीके से चेंज होता जाता है। ठीक है, यहां पर आपको मैंने बताया कि एनर्जी डिसिपेटर की संरचनाएं कौन कौन सी बनते हैं, एंड सिल, लॉन्गिट्यूडनल सिल। अब आपका जैसे और क्या, एंड सिल क्या इसमें नहीं बन सकती, यहां भी बन सकती है, एंड सिल यहां भी बन सकती है। क्या टो वॉल शूट स्पिलवे में नहीं होती, यहां भी होती है। ठीक है, और उसी तरह से आपका लॉन्गिट्यूडनल सिल क्या यहां नहीं बन सकती, इसके आउटलेट पर शूट वाले पे बन सकती है।
लेकिन क्या इसके वाले बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस तरीके से इसका संरचना नहीं है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सिल आप अगर बनाना चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि संरचनाएं कोई सी भी आप बना सकते हैं, फ्रॉड नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कितने एनर्जी डिसिपेटर की संरचनाएं आप आउटलेट पर बनाने वाले हैं तीनों प्रकार के किसी भी स्पिल में। लेकिन ये चीजें केवल वॉटरफॉल के पश्चात आउटलेट के पहले फ्रॉड नंबर के कैलकुलेशन पर ही डिपेंड है। तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल सिल का आपको डायरेक्शन और इसका फिगर समझ में आ गया कि उसको हम लोगों ने किस जगह पर बनाया हुआ, और यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉप वाले में यही आपका लॉन्गिट्यूडनल सिल कहलाता है। अब आते हैं अगली संरचना होती है जैसे फ्लोर ब्लॉक, FLOOR, फ्लोर ब्लॉक। अब फ्लोर ब्लॉक कहां पर इस्तेमाल करेंगे? तो फ्लोर ब्लॉक जब फ्रॉड नंबर की वैल्यू और ज्यादा मिलेगी तब इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लोर ब्लॉक कैसा होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, जिस जगह पर आउटलेट है यहीं पर फ्लोर पर इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स खड़े कर देंगे। ब्लॉक ब्लॉक देखने में कैसा होता है, इसी को ब्लॉक कहते हैं। तीन चार ईंटों को एक ऊपर एक जोड़ दीजिए तो ये क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया। इसी में ऊपर बैठ कॉफी पी सकते हैं जब पानी नहीं बह रहा है तब। ठीक है, हम लोग पिए भी। तो यहां पर क्या है कि तीन तीन ईंटें एक के ऊपर एक जोड़ दी गई है ये, और इसको सीमेंट से चारों तरफ बंद कर दिए, फ्लोर ब्लॉक है। और इसको नीचे से थोड़ा नींव दे दिया गया ताकि ये फ्लोर ब्लॉक उफड़ ना जाए। तो यही आपका क्या हो गया, फ्लोर ब्लॉक है। फ्लोर ब्लॉक का काम क्या है, फ्लोर ब्लॉक को जहां खड़ा कर देंगे वो पानी जब आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, फंस जाएगा, जगह जगह फंस जाएगा। और फंसते ही क्या होगा पानी, कि पानी का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी तरह फ्लोर ब्लॉक यहां पर भी बना सकते हैं। फ्लोर ब्लॉक अगर आप चाहें तो यहां भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली इस वाले में नहीं बनाते हैं। लेकिन कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में ये चीज नहीं पूछता, क्योंकि उनको भी मालूम है कि फ्लोर ब्लॉक किस जगह बनता है और हम लोग क्या फ्लोर ब्लॉक यहाँ नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते। बनाने को तो बना ही देंगे, लेकिन ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर में फ्लोर ब्लॉक बनाने के बाद ऐसा दिखाई देगा कि इसका कोई खास पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है इससे। इसलिए हम लोग फ्लोर ब्लॉक का निर्माण मैक्सिमम टाइम पे आप देखेंगे शूट स्पिलवे और स्ट्रेट स्पिलवे में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको फ्लोर ब्लॉक बना दिया गया। फ्लोर ब्लॉक का काम क्या, जब पानी आएगा तो इसमें पहले फंसेगा। अब फ्लोर ब्लॉक एक नहीं बनते, तो बनते हैं तो दो तीन एक साथ बनते हैं, जैसे एक ये बन गया, फिर एक इसी से कुछ दूरी पर एक और बना रहेगा, है ना, फिर उसी से कुछ दूरी पर एक और बना रहेगा। अब ये कहां पर बना है, तो ये आपके एंड सिल के पहले और आउटलेट के स्टार्टिंग पॉइंट के बाद। जब पानी यहां पर पहुंचेगा तो क्या होगा, इनके फ्लोर ब्लॉक में लड़ेगा, इनसे दो डायरेक्शन में बटेगा ऐसे ऐसे करके, और पानी की बहुत सारी ऊर्जा ये फ्लोर ब्लॉक अपने ऊपर क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। जिसकी वजह से ये आपका क्या होगा, जिसकी वजह से यहां पर पानी का फ्रॉड नंबर जो ज्यादा था वो आउटलेट पर पहुंचने के बाद कम हो जाए। उसी तरह फ्लोर ब्लॉक उसी तरह एक होता है शूट ब्लॉक। शूट ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो संरचना शूट जैसी दिखाई देती है। यहां पर शूट स्पिलवे इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संरचना कैसी है, एक ट्रायंगुलर वेज जैसी है। ट्रायंगुलर वेज का मतलब एक एक ट्रायंगल त्रिभुज के जैसी है, त्रिभुज के आकार का लकड़ी के टुकड़े जैसी। तो ट्रायंगुलर वेज जैसी संरचना है, इसके ऊपर से पानी जब आता है तो तेजी के साथ नीचे आता है, इसी को शूट स्पिलवे कहा जाता है। तो शूट ब्लॉक किस जगह पर बन सकता है, शूट ब्लॉक आउटलेट में यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। तो शूट ब्लॉक देखने में कैसा होता है, अब देखिए शूट ब्लॉक में बना रहा हूं तो कहीं पर भी अगर वाटर का आउटलेट इस प्रकार से आ रहा है और यहां पे पहुंचे, यहां पर एंड सील है, इस जगह पर फ्लोर ब्लॉक खड़े हुए हैं, तो शूट ब्लॉक आपका देखने में ऐसा होता है, ऐसे ये संरचना आप देख रहे हैं कि पानी जब आएगा तो इस शूट ब्लॉक में जब पहुंचेगा तो क्या होगा, फिर से पानी इससे लड़ने के पश्चात अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो कुछ ऊर्जा तो उसकी यहां पर खत्म होगी और कुछ ऊर्जा फ्लोर ब्लॉक में खत्म होगी और कुछ ऊर्जा एंड सिल पर खत्म होगी, और अगर लॉन्गिट्यूडनल सिल भी बनी हो तो वहां पर भी खत्म होगी। तो सब कुछ किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जी डिसिपेटर की संरचना आप तभी बनाएंगे जब फ्रॉड नंबर का मान काफी ज्यादा हो, मतलब 17, 18, 19 के ऊपर निकल जाए। ठीक है, तब हम लोग इतनी ज्यादा संरचनाएं बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक फ्रॉड नंबर का मान हमारा 2.5 है, 4.5 है, 8.5 से कम है, तब तक हम लोग अपनी संरचनाएं को उतना ही ज्यादा मिनिमाइज रखेंगे। मैक्सिमम टाइम पर फ्लोर ब्लॉक और शूट ब्लॉक से ही काम चल जाता है।
हालांकि यहां पर अगर आप ये पूछें कि फ्लोर ब्लॉक और शूट ब्लॉक में पहले कौन सी पड़ेगी, मतलब पानी जब ऊपर से नीचे आया तो पहले कौन सी पड़ेगी, बाद में कौन सी पड़ेगी, आउटलेट आउटलेट पर तो एंड सील है, एंड सील के पहले फ्लोर ब्लॉक, फ्लोर ब्लॉक के पहले शूट ब्लॉक, शूट ब्लॉक पर जब पानी पहुंचता है ऊपर से जब आने के पश्चात, तो यहां पर जो ये देख रहे हैं ना आउटलेट वाला पॉइंट, यहीं पर ही आपके शूट ब्लॉक बने होते हैं ये ट्रायंगल जैसे शेप के ऐसे। जब पानी आएगा तो इन शूट ब्लॉक में क्या होगा, ऐसे बटेगा, इधर बटेगा और इधर बट जाएगा, शूट ब्लॉक से ये तीन हिस्सों में बट गया। अब शूट ब्लॉक से जब तीन हिस्सों में बट जाएगा तो यहाँ पर आपका काम बन गया, फिर से कुछ एनर्जी आपने यहाँ खत्म कर दी, कुछ आपने फ्लोर ब्लॉक को खत्म कर दी, कुछ आपने लास्ट में एंड सिल पर खत्म कर दी, और अगर लॉन्गिट्यूडनल सिल बना दिया तो एक और जगह आपकी खत्म हो गई। अब आते हैं चौथी चीज, पांचवी चीज जिस पर हम लोग खत्म कर सकते हैं ऊर्जा को, उसको हम लोग बोलते हैं कि चैनल बेड डिजाइन, चैनल बेड डिजाइन। अब वो स्पेशली होता है शूट स्पिलवे में, तो बाकी चीजें मैं मिटा रहा हूं, यही मिटा रहा हूं, यहीं से आप समझ सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने स्पिलवे वाला चैप्टर पढ़ाया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, उस चैप्टर में आपने एक प्रकार का स्पिलवे पढ़ा था जिसका नाम था ओगी स्पिलवे या ओगी वियर या ओगी वियर। ओगी वियर कैसा वियर होता है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है, मतलब पानी जब आएगा तो जब आउटलेट पर पहुंचने से पहले पानी जब ऊपर से नीचे जाता है, मतलब अप स्ट्रीम से पानी जब डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो इस ओगी वाली कर्व को छूते हुए नीचे जाता है। तो कर्व को जब छूते हुए नीचे जाएगा तो जितना ज्यादा इसको छूते हुए नीचे जाएगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो शूट स्पिलवे जो कि 5 से 6 मीटर की हाइट डिफरेंस पे बनाए जाते हैं, यहां पर अगर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ओगी संरचना दे दें तो यहां से पानी जब आएगा तो इसको टच करते हुए नीचे की तरफ आएगा, तो पानी की ऊर्जा और ज्यादा कम हो जाएगी। तो हो सकता है आगे हमको शूट ब्लॉक या फ्लोर ब्लॉक बनाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। लेकिन ये बात डिपेंड किस पे करेगी कि एंट्री वाला जो वाटर है उसकी वेलोसिटी कितनी है या किस लोकेशन पर इसे आप बना रहे, ठीक है। अब ये लोकेशन तय करेगी, और या एक आध बार आपने बिना ओगी वियर के बनाया और सब कुछ यहां लगाया लेकिन फिर भी कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करेंगे इस चैनल के बेड, क्योंकि ये जो शूट स्पिलवे का जो कंड्यूट है ये दिखने में कैसा होता है, ओपन चैनल जैसा होता है, ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था, ये कैसा होता है दिखने में, ओपन चैनल जैसा, क्योंकि जब पानी आएगा तो पानी ऐसे दिखाई देगा और एक चैनल जैसा ये है, ठीक है, जैसे ओपन चैनल होता है उसके जैसा दिखेगा, पानी मतलब ऊपर से खुला हुआ है, आपको दिख रहा है कैसे आ रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कि शूट स्पिलवे देखने में जगह जगह किस प्रकार से दिखते हैं। तो जब इसको शूट स्पिलवे में जो कंड्यूट है जो कि चैनल जैसा दिख रहा है, चैनल के बेड को अगर आप ओगी कर्व में या ओजी शेप का बना दें, ऐसा बना दें, तो क्या होगा कि पानी पूरे शेप को टच करते हुए, कर्व को टच करते हुए नीचे आएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा, एनर्जी लॉस मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपको वो जो चीज है कि आपको फ्रॉड नंबर का मान 1 से कम लेके आना है, वो हो सकता है आपका कम से कम संरचनाओं में आपका काम पूरा हो जाए। तो ये हमारे 5 प्रकार से हम लोग एनर्जी डिसिपेशन का काम करते हैं। और भी कई सारे मेथड है, जैसे बैफल वॉल मेथड है, मतलब जैसे बैफल वॉल मेथड मतलब जब पानी पहुंचे तो आप क्या करिए, पानी को पहले एक जगह पर स्टोर करिए, स्टोर करने के बाद फिर उसका आउटलेट बनाइए, तो क्या होगा फिर उसका आउटलेट बनाइए, तो क्या होगा पानी सबसे पहले यहां पर भरेगा, भरने के बाद फिर आउटलेट पर जाएगा। तो ये क्या हो गया, पानी के संरचना क्या कर रहा है, ये बैफिल कर रहा है, मतलब उसको पहले भर भर कर और फिर दूसरी डायरेक्शन को घुमा दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका बैफिल हो गया। उसी तरीके से आप कहीं पर स्टिलिंग बेसिन बनाते हैं, स्टिलिंग बेसिन का मतलब जब आउटलेट पे पानी पहुंचा तो आपने पानी बाहर निकलने से पहले इस जगह पर एक ऐसी संरचना बनाई कि पहले पानी यहां भरता है और फिर बाहर निकलता है, तो ये जगह पर पानी क्या हो जाता है, स्टिल हो जाता है, स्टिल हो जाता है ना आउटलेट पर। जैसे मान लीजिए पानी इस आउटलेट पर पहुंचे तो आप यहां पर पहले कुछ भरने वाली संरचना बनाइए और फिर आगे बढ़ने की संरचना बनाइए। उसी तरह यहां पर भी
ये पानी इसमें स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में आए, कुछ कहीं पर पानी थोड़ा भरे और भरने के बाद फिर आगे बढ़े, तो इस भरने वाली जगह पर पानी क्या होगा, स्टिल होगा। ऊपर वाला पानी तो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जो भी पानी यहाँ पर आएगा पहले कुछ देर तक स्टिल पोजिशन में आएगा। स्टिलिंग होते ही क्या होगा, पानी के अंदर के सिल्ट के कण नीचे बैठेंगे और यहाँ पर हम लोग चाहे तो सिल्ट एक्सट्रूडर लगा सकते हैं। सिल्ट एक्सट्रूडर मतलब सिल्ट को बाहर निकालने की कोई संरचना लगा सकते हैं, तो सिल्ट बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि सिल्ट पानी के अंदर अगर मौजूद है तो पानी की डेंसिटी ओवरऑल ज्यादा हो जाएगी, और डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो सिल्ट एक्सट्रूडर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टिलिंग बेसिन का निर्माण कहाँ पर करेंगे, जहां पर पानी में सिल्ट मौजूद हो और पानी का वेग एक बार हम किसी जगह पर पानी को भरे, आउटलेट पर किसी जगह पर पानी एक बार आके भरे, भरने के बाद आगे बढ़े, तो हम लोग वहां उस जगह पर क्या करेंगे, स्टिलिंग बेसिन का निर्माण करेंगे। लेकिन ओवरऑल स्टिलिंग बेसिन का भी पर्पस क्या है, एनर्जी को डिसिपेट करना ही है। तो ये वो सारी संरचनाएं जो आउटलेट पर कंड्यूट के जस्ट बाद, आउटलेट के एंड पॉइंट जहां से पानी बाहर निकल रहा है उसके पहले बन रही है, सभी को एनर्जी डिसिपेटर का नाम दिया गया है। और ये एनर्जी डिसिपेटर तीनों संरचनाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में। यहां तक कि जो टेम्परेरी चेक डैम एंड टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, वहां पर भी सारी संरचना, चाहे तार के अंदर पत्थर डाल के उनका जाल बनाइए और गठरी बना के खड़ा कर दीजिए तो भी वो ही काम होगा, और कहीं पर पानी बहता हुआ आ रहा तितर बितर, आपने क्या किया वहां पर बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर दिए, उसमें फंस गया तो पानी का वेग क्या हो गया, कम हो गया। आपने मट्टी का टीला इकट्ठा कर दिया, पानी का वेग कम हो गया। आपने बांस के लट्ठे गाड़ दिए, पानी का वेग कम हो गया। आपने कुछ लट्ठे सीधे गाड़े, कुछ लट्ठे हॉरिजॉन्टल लगा दिए, पानी का वेग कम हो गया। ले देके काम आप एक ही कर रहे हैं, पानी की वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं, उसका वेग कम कर रहे हैं और एनर्जी को डिसिपेट कराने के लिए सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था, फिर से साइंटिफिकली उद्देश्य क्या था, ये तो हो गया कॉमन सेंस की वेलोसिटी कम करना है, एनर्जी कम करना, बट साइंटिफिकली उद्देश्य क्या था, फ्रॉड नंबर का मान जो एक से ज्यादा मिल रहा है पानी ऊपर से नीचे गिरने पर, जिस पॉइंट पे गिर रहा है वहां पे हमें पानी के आउटलेट के बाहर निकलने पर उसी फ्रॉड नंबर के मान को एक से कम लेके आना है, और जितना ज्यादा पानी ऊपर से नीचे गिरते वक्त जितना ज्यादा फ्रॉड नंबर मिलेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी डिसिपेशन की या ऊर्जा को क्षय कराने की संरचनाएं हमें बनानी पड़ेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी डिसिपेटर, एंड नेक्स्ट क्लास इज माई लास्ट क्लास अबाउट द परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड आफ्टर द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड फॉर द ग्रास वाटरवेज एंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ अदर टॉपिक्स which is going to cover in the 8 to 9 lectures of soil water conservation. ठीक है, तो इसके बाद से बहुत ही कम एरिया बचता है, क्योंकि जो टाइम टेकिंग एरिया था वो यही था, बाकी जो एरियाज है मैक्सिमम टेक्निशियन डेटा एंड कॉमन सेंस बेस्ड है, और उसके लिए फ्लो इन ओपन चैनल का टॉपिक अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो याद रखिए, क्योंकि ग्रास वाटरवे ओवरऑल क्या है, फ्लो इन ओपन चैनल है। ठीक है, ग्रास वाटरवे चाहो तो 5 मिनट के अंदर आपको अभी भी बता के खत्म भी कर सकता हूँ, बट ये ओपन प्लेटफॉर्म लेक्चर है, पेड स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो इस बात की डिमांड करते हैं सर कि मैक्सिमम चीजें आप इस पर ही बताइए पेड प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम लोग अगर फीस पे वगैरह पढ़ाए तो कुछ तो डिफरेंस हो। मैं खुद बहुत बड़ी कोशिश में हूँ कि यहाँ पर अगर मेरे पास 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जिस दिन इस प्लेटफॉर्म पे होंगे और सब्सक्राइबर के तौर पे और नंबर ऑफ व्यूज के तौर पे, और तो हम इस प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड आपके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को फ्री ऑफ ऑल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो हमको गवर्नमेंट से उसकी फंडिंग मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा प्रयासरत हूँ और मैक्सिमम कवरेज के साथ इस प्लेटफॉर्म को मैं बना रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की कुछ लड़के डिमांड कर रहे थे, उनको मैं बता दूँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अगर मैं इस जगह पर लगा देता हूँ तो आप इतना जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगते ही आपके आउटपुट वीडियो जो है, आपको जो यहाँ बताया जा रहा है वही वहां भी बताऊंगा, कोई अलग चीज नहीं होने वाली है। ठीक है, और स्क्रीन रिकॉर्डर वहां भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अभी ये वीडियो 34 मिनट 35 मिनट पहुंच चुका है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आते ही ये 35 मिनट का वीडियो आपका बनेगा 1.5 GB का, और 1.5 GB का वीडियो बनते ही आपका एक दिन का इंटरनेट कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। और ये सारे वीडियोज मैंने आपको ठीक उसी तरह बना रखे हैं जैसे आज के दिन आपकी क्लास हो आपके कॉलेज में किसी टीचर की, तो क्या वो क्लास
पर्टिकुलर डेट को होने के बाद क्या उस डेट पे आप वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर उस क्लास में आप प्रेजेंट नहीं थे तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि उस टॉपिक से आप वंचित रह जाते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप इसको पढ़ें तो कॉपी पेन लेकर बैठ के पढ़ें, इन सारी चीजों को ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं, जो अच्छा लगे नोट करें, जो मैं बताऊं उसे नोट करें और समझने की प्रयास ज्यादा करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत सारी क्वेश्चन आपके जिनकी समझ अच्छी है वो कर ही ले जाते हैं। तो इस तरीके से करके आपका ये कवरेज यहाँ तक हम लोग पहुंचा चुके हैं और वीडियो आउटपुट कम से कम MB का हो, इसका भी मेरा एक अपना पर्पज है। बिना इसके हम यहाँ पर क्लासेस नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम केवल आंख बंद करके क्लास लेते रहें और हाई MB के वीडियोस बनाएं, एक वीडियो 2 GB 2.5 GB का बने और हर एक स्टूडेंट इंटरनेट ही खत्म हो जाए, उसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। और वीडियोस को एक बार पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपके पास ये सुविधा है कि आगे पीछे करके उसको आप फिर से इंटरनेट के थ्रू ही प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब ध्यान से देखेंगे तो शायद 2-3 जगह ऐसी बचेगी जहां पर आप दोबारा उसको प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी क्लासरूम में बैठते हैं, मान लीजिए कोई क्लास आपकी 14 जुलाई के दिन होनी है, 14 जुलाई सन 2020 को कोई क्लास आपके कॉलेज में हैपन हुई थी, तो क्या वो क्लास दोबारा आप देख सकते हैं 15 जुलाई को? नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर केवल फिर से देखने की सुविधा है। इन वीडियोस को आने वाले समय में डाउनलोडेबल भी हम लोग बनाएंगे, बट डाउनलोडेबल बनाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट बड़ा केयरलेस हो जाता है, वीडियो को डाउनलोड करता है और डाउनलोड करने के बाद सोचता है कभी ना कभी तो देख ही लेंगे। यहाँ पर केयरलेस नहीं है, यहाँ पर क्या है कि चैतन्यता के साथ वीडियो को प्ले होते समय ही आपको उसको देखना है, ताकि आपको एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में आप उसको स्टडी कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये सब मैसेजेस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड बाय बाय एंड शब्बा खैर।